इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। कोरोना के मद्देनज़र जहां स्कूलों को शुरू करने पर अभी भी सोचा जा रहा है, वहीं सिनेमाघरों को खोलने का फैसला लिया गया। बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, कोरोना का असर भी कुछ हद तक कम होता नजर आ रहा है, पर सिनेमाघरों को खोलने का फैसला भी कुछ अजीब सा लग रहा है। बेलगाम में भी सिनेमाघरों को खोला गया, पर आवाम की जानिब से कुछ खास रिस्पॉन्स हासिल नहीं हुआ, जिससे अभी भी लोगों में डर कायम होने की दलील कह सकते हैं। आवाम की जानिब से सिनेमाघरों की तरफ तवज्जो न देना यह भी साबित करती है कि आज की तारीख में फिल्मों को देखना अहम नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है। अब अक्सर लोगों का कहना यह है कि स्कूलों को जल्द शुरू किया जाए, वही दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है, यानी कि दो गिरोह हो चुके हैं, एक स्कूल शुरू करने पर कहते हैं तो कुछ लोग स्कूलों को बंद रखने की भी बात कही जा रही। इस साल स्कूलों को शुरू ही ना किया जाए, ऐसा भी कुछ कहने वाले लोगों हमारे माशरे में मौजूद है। बीमारी का असर यकीनन कम हुआ है, पर अभी भी खतरा टला नहीं है, लिहाजा हुकूमत भी कश्मकश में है कि क्या किया जाए। कई बार स्कूलों को शुरू करने के फैसले तो लिए गए पर बाद में फैसलों को बदला भी गए, यहाँ तक के विद्यागम के तहत गांव जाकर पढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई। वाज़ह रहे विद्यागम के तहत पढ़ने वाले बच्चे कई जगह पर पॉजिटिव पाए गए, जिसकी बिना पर हुकूमत की इस योजना को फिलहाल रोक लगाई गई है। बेलगाम आइनॉक्स सिनेमा के दरवाजे तो खुले पर आवाम की जानिब से बहुत कम दिलचस्पी दिखाई गई। तकरीबन 6 महीने के बाद सिनेमाघरों को खोला गया। बेलगाम थिएटर्स एसोसिएशन के सदर अविनाश पोदार ने कहा कि हुकूमत फिल्मों को इंडस्ट्री तो कहती है पर हुकूमत की जानिब से कोई सहूलतें मुहैया नहीं कराई जाती। अब जब सिनेमाघरों को खोला गया है, कुछ गाइडलाइन भी दी गई है जिस पर अमल करना काफी मुश्किल हो सकता है। थिएटर में दाखिल होने पर सैनिटाइजर तो मुहैया कराया जा सकता है, पर जो भी लोग दाखिल होते हैं उनके मोबाइल नंबर या उनका टेम्परेचर देखना मुमकिन नहीं है। आवाम की जानिब से सवाल यह पूछा जा रहा है कि अनलॉक 5 के तहत सभी कुछ अनलॉक हो रहा है पर स्कूलों का क्या होगा? डांस बार, सिनेमाघर, शराब खाने तो हुकूमत की कमाई में इजाफा कर सकते हैं, जहां से सिर्फ हुरियानीति बढ़ती है, पर इल्म के गहवारों को कब खोला जाएगा जहां से माशरे बनते हैं? ग्राम पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर के दरमियान होने के इम्कान है, लिहाजा महफिलों का दौर भी जारी हो चुका है। कई जगहों पर शराब कबाब का दौर जारी हुआ है। पहले पंचायत चुनाव को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, पर अब यहाँ पर भी खूब रुपया आ रहा है, तो किसी तरह पंचायत चुनाव जीतने की कोशिश हर कोई कर रहा है। वैसे भी चुनाव से मुराद पैसा ऐसा फार्मूला बनता जा रहा है। पंचायत के लिए फंड की तकसीम होती है, लिहाजा जो भी पहले पंचायत मेंबर हुआ है वो फिर से इंतखाबात में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पहले कभी झांककर भी नहीं देखने वाला, अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो अपने आप को सच्चा सामाजिक खिदमतगार साबित करने की कोशिश कर रहा है। जहां जिस तरह के लोग हैं वहां उनका हमदर्द होने की नौटंकी भी कर रहा है। कुल मिलाकर किसी तरह पंचायत मेंबर बनना है, अब पंचायत चुनाव हो या कॉरपोरेशन, कुछ लोगों के लिए तो गोया ईद भी होती है। और वैसे भी कॉरपोरेशन इंतखाबात की भी बात कही जा रही है, पंचायत चुनाव के बाद फौरी तौर पर कॉरपोरेशन चुनाव हो सकते हैं ऐसा भी कहा जा रहा है। कहने का मतलब जो पहले से चुनाव जीत चुका है किसी हाल में वो दोबारा जीतना चाहता है। अगर बेलगाम कॉरपोरेशन इंतखाबात की बात की जाए तो बेलगाम शहर के मुख्तलिफ वार्डों में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगु होने लगी है कॉरपोरेटर बनने के लिए। तवील फहरिस्त देखी जा रही है। वैसे तो ख्वाहिशमंद हजरात की फहरिस्त देखेंगे तो घर को एक कॉरपोरेटर नजर आ रहा है। वैसे भी खाली लोगों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं कुछ काम ना हो तो सियासत में किस्मत आजमाना चाहिए, कई बेरोजगारों को इसमें रोजगार भी मिल जाता है। वैसे भी नेशनल पार्टियों के पास भी कारकुनान की कमी है, कुछ हाथ गीले करते हैं तभी तो जोर जोर से जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। कुछ लोग कॉरपोरेशन चुनाव की तारीख पर नजरें टिकाए बैठे हैं, एक बार तारीख का ऐलान होता है तो इनमें हर तरह की चुस्ती फुर्ती दाखिल होती है, फिर सुबह से शाम वार्डों का तवाफ करना शुरू कर देते हैं, फिर सलाम कलाम भी होता रहता है, बिरयानी के दावतों का दौर भी शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के लोग सियासत के बाजार में नजर आने लगते हैं। शहर के चौराहे पर तस्करे भी अजीब अजीब सुनने को मिलते हैं। बेलगाम की जबान में कहा जाए तो फला फला बहुत जिगट है,
तो फलां का हाथ ढीला छोड़कर खर्चा करता है। खैर अब तो यही फॉर्मूला बना हुआ है कि पैसा फेंको इलेक्शन जीतो, भले इसे कहने वाले कुछ भी कहे, कोई उम्मीदवारी पीछे लेने के लिए पैसे पूछता है तो कोई डमी कैंडिडेट बिठाया जाता है। फिलहाल यह तस्वीर पंचायत चुनाव में देखी जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक कुछ ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दो दो तीन तीन पार्टियां अब तक दी है। अभी यह महफिलों का दौर वैसे तो दिसंबर तक चलने वाला है, जो भी हो, पर कुछ लोग बेहतरीन खाने पीने का लुत्फ उठाते रहते हैं, फिर चाहे अगले 5 साल तक जीतने वाला उम्मीदवार नजर आए या ना आए। बेलगाम और अतराब के पेंशन स्कीमों को किया गया है बंद, लाखों के गफले का पर्दाफाश। बेलगाम तालुका के कुछ गाँव में बुजुर्गों के नाम पर झूठे फायदा उठाने वालों का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल तमाम पेंशन स्कीमों को बंद किया गया है। वाजह रहे, इससे पहले भी इस मामले पर काफी बहस हो चुकी है। 4 खवातीन जिन्होंने कम उम्र के लोगों को बुजुर्ग दिखाकर बुजुर्गों की पेंशन पर यह हाथ साफ किया हुआ है, लिहाजा जब इसका खुलासा हुआ तो पेंशन को रोकने का हुक्म दिया गया। बेलगाम और अतराब के गांव में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कुछ रुपये बुजुर्गों की तहफ्फुज के लिए हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं, पर इन 4 खवातीनों ने झूठे दस्तावेज और सियासी रसूख इस्तेमाल करके गफलों को अंजाम देने का इल्जाम इन पर लगाया जा रहा है। जो लोग इसके मुस्तहक नहीं है, ऐसे लोगों को रुपये मंजूर करने का जुर्म इन्होंने किया है, लिहाजा स्कीम को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया गया। अब तमाम लोगों की सही तफ्तीश के बाद ही पेंशन को खाते पर जमा किया जाएगा, ऐसा बताया गया। अब तो सवाल यह उठता जा रहा है कि यह कब से और कितने गांवों में अंजाम दिया गया, आखिर सही बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है या झूठ का ही बोलबाला चल रहा है, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। कुछ और खबरें। रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी की जिल्लत में इजाफा ही होता जा रहा है। झूठा टीआरपी हासिल करने के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अर्णव गोस्वामी को अदालत ने लथाड़ते हुए कहा कि आम आवाम की तरह हाईकोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। लिहाजा महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ अर्जी दाखिल करते हुए रिपब्लिक टीवी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में, यानी कि अर्णव गोस्वामी कहते हैं, मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी जिससे इंतकामी कार्रवाई के तहत मुझ पर टीआरपी का इल्जाम रियासती हुकूमत की जानिब से लगाया गया और बदनामी की कोशिश की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लथाड़ते हुए अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी कहा। ये भी खास बात रही कि रिपब्लिक टीवी की जानिब से कुलभूषण मुकदमे के वकील हरीश सालवे हिमायत कर रहे, इसके बावजूद भी अर्णव गोस्वामी के मुकदर में जिल्लत का मुंह देखना पड़ा। भाजपा हिमायतों पर मुकदमों का दौर वैसे भी जारी है। अपने आप को झांसी की रानी समझने वाली कंगना रानौत पर कर्नाटक के तुमकुर अदालत ने कहा कि किसान बिल की मुखालफत करने वाली किसानों को खसूसी तौर पर दहशतगर्द कहने पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया गया। IPC 153(3) के तहत FIR दर्ज की गई। वजह रहे कि पूरे मुल्क में किसानों के बिल को लेकर मोदी हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ बिल को मंजूर किया गया था, जिसकी पुरजोर मजम्मत किसानों की जानिब से की गई थी। इसी के तहत कर्नाटक में भी सभी शहरों में किसानों ने यह बिल सरमाएदारों की गुलामी का बिल कहकर एहतजाजी जुलूस निकाले और पुरजोर मजम्मत फरमाई। मोदी, योगी, शाह, येदियुरप्पा की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की गई। कंगना रानौत ने सुशांत सिंह मौत को कत्ल की साजिश कहकर खूब मकबूलियत बटोरी। फिल्मों से भी ज्यादा जब सियासत में मुस्तकबिल रोशन होने का शायद इसे एहसास हुआ हो, लिहाजा जो भी हो मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसे जवाब देने का काम कंगना ने करना शुरू किया, जिसके नतीजे में Y+ तहफ्फुज़ी दस्तावेज मोदी शाह ने फराहम किया। अब किसानों ने मोदी के मंजूर किसान मुखालिफ बिल के खिलाफ रैलियां निकाली तो फिर कंगना ने किसानों को दहशतगर्द कहा। इसी के मद्देनजर तुमकुर पुलिस ने मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया। एडवोकेट रमेश नाइक की जानिब से दायर करदा शिकायत की बिना पर कंगना रनौत पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।